हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको साड़ी में फॉल लगाना बताएंगे और इसमें हम मशीन से फॉल लगाएंगे। इसमें हम दोनों तरफ मशीन से ही फॉल लगाना बताएंगे आपको। तो जैसे कि हम एक साइड मशीन से फॉल लगाते हैं, यानी नीचे के साइड मशीन से लगाते हैं और फिर ऊपर साइड हम हाथ से लगाते हैं। इसमें हम आपको दोनों तरफ मशीन से फॉल लगाना बताएंगे, वो भी एकदम फिनिशिंग के साथ। तो बस आप हमारे वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम साड़ी को ओपन करेंगे और इसको हम उल्टा साइड रखेंगे, उल्टा और नीचे की साइड रखेंगे इसको। तो देखिए, जहां से हम साड़ी पहनना स्टार्ट करते हैं उस साइड हमें ये नीचे की साइड इसको ले लेना है और इसको हमें उल्टा कर लेना है। इस तरह उल्टा रखेंगे। रखने के बाद हमें यहाँ पे इतना इस तरह से माप लेंगे और इधर इतना, यहाँ से हमें फॉल लगाना स्टार्ट करना है। तो हमने फॉल लिया, पहले इसको हम बराबर कर लेंगे। अब इसको हमें इस तरह से एक बार फोल्ड कर लेना है। ये फोल्ड वाली साइड हमारी अंदर रहेगी। अब इसको हमें इस तरह से करना है और जहां से आपको फॉल लगाना है वहां पे इसको इस तरह से रखेंगे और यहां से हमें स्टिच करना स्टार्ट कर लेना है। क्योंकि नीचे हमें जिगजैग सिलाई करना है, इसलिए हम यहां पे सिलेक्टर चेंज कर लेंगे। अब नीचे से हमें स्टिच करना है। तो देखिए, कुछ इस तरह से इसमें हमारी स्टिचिंग आ रही है। तो इसी तरह से हमें पूरे फॉल को साड़ी में अटैच कर लेना है। देखिए, यहाँ तक तो हमने स्टिच कर लिया है। अब जब हम लास्ट में पहुंचेंगे तो इसको हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है, जैसे हमने स्टार्टिंग में फोल्ड किया था उसी तरह से लास्ट में इसको हमें अंदर की साइड फोल्ड कर लेना है। इस तरह से फोल्ड करके और इस पे स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, ये कुछ इस तरह से स्टिच हुआ है और इसी तरह से नीचे की साइड पूरा हमने स्टिच कर लिया है। अब हमें ऊपर की साइड स्टिच करना है। तो ऊपर की साइड हमें सिलाई को सीधा रखना है, तो सिलेक्टर को हम सीधा रख लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको बराबर से रख के एक पिन लगा देंगे। उसके बाद यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ से लेके इस तरह से पूरे लास्ट तक हमें स्टिच कर लेना है। तो इस तरफ स्टिच करने के टाइम हमें बहुत ध्यान देना रहता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बराबर से स्टिच नहीं करेंगे तो ये फॉल में यानी कि साड़ी में इस तरह से झोल आ जाता है। तो इसको हम इस तरह से बराबर रखेंगे, इसको खींच के स्टिच नहीं करना है ना, तो इसको खींच के स्टिच करना है। दोनों को ऐसे नॉर्मल हम इस तरह से बराबर रख के स्टिच करते जाएंगे। और आप चाहे तो जगह जगह ऐसे पिनअप कर ले, उससे बहुत ही आसान होगा स्टिचिंग करने में। तो चलिए अब इसको भी स्टिच करना स्टार्ट करते हैं।
यहाँ पे हमें ध्यान से स्टिच करना है, झोल का ध्यान देते हुए हमें इस तरह से स्टिच कर लेना है। देखिए लास्ट में हम पहुंच गए हैं। अब यहां से हमें इसको घुमा लेना है। इस तरह से घुमाने के बाद यहां से लेके हमें यहां तक लास्ट तक स्टिच कर लेना है। तो ऊपर के साइड भी स्टिच हो गया हमारा। इसको हम आपको पूरा दिखा दे रहे हैं। तो देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं किस तरह से हमारा फॉल लगा हुआ है और इसमें 1% भी झोल नहीं आया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारी स्टिचिंग हुई है। पास से थोड़ा दिखा देते हैं आपको और इस साइड भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए कहीं भी बिल्कुल भी झोल नहीं आया है, देख सकते हैं आप। देखिए यहाँ तक हमारा फॉल लगा है और बिल्कुल भी झोल नहीं आया है। इस साइड भी बिल्कुल भी झोल नहीं आया है। तो फ्रेंड्स आप भी इसी तरह से थोड़ा सा ध्यान देकर फॉल को लगाएंगे तो फॉल अच्छी तरह से लगेगा, बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। और ये रहा हमारा आज का वीडियो। और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।